अगर आप लोग अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपको खुशी देती है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आज तक आपके साथ अच्छी हुई है। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग ये महसूस करता है कि आपके साथ बहुत सी अच्छी चीजें हुई है और तब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। देखिए, जब भी आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करना होता है तो आपको उस फ्रिक्वेंसी पे मैच होना पड़ता है जिस फ्रिक्वेंसी पे वो चीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने रेडियो में किसी स्टेशन को ट्यून करते हैं, किसी रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं, तब आपको उस फ्रिक्वेंसी को रेडियो में मैच करना पड़ता है। अब मान लीजिए 98.5 मेगाहर्ट्ज पे कोई चैनल चलता है तो आपको बिल्कुल 98.5 पे मैच होना पड़ेगा, ना तो 98.6 ना 98.4, आपको प्रॉपरली 98.5 पे मैच होना पड़ेगा। इसी तरह से आपको रियल लाइफ में भी उस चीज की फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल मैच होना पड़ेगा, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में मैच होना पड़ेगा। देखिए, आप सबसे अच्छी जो चीज कर सकते हैं वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसमें आप हर छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। वो आपके एक छोटे से पेन से लेकर आपकी बड़ी गाड़ी तक हो सकता है, और आप इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग ग्रेटिट्यूड और एक्ट एज इफ टेक्निक का एक साथ यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो आपको एक्ट एज इफ टेक्निक और ग्रेटिट्यूड दोनों साथ में कैसे यूज करनी है, आपको लिखना है थैंक यू, मुझे वो गाड़ी मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें आप दो टेक्निक का एक साथ यूज कर रहे हैं और ये आपकी वाइब्रेशन को उस कार से जोड़ने में मदद करेगा और बहुत ही जल्दी आप उस कार को मैनिफेस्ट कर लोगे। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने आप को और ज्यादा ऊर्जा से भरने की कोशिश कीजिए। आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, YouTube पे आपको बहुत से ऐसे म्यूजिक मिल जाएंगे जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, उनको सुनिए। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे म्यूजिक जब बजता है तब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, तो उस म्यूजिक को सुनिए। जब आप उस म्यूजिक को सुनेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और आप अंदर से अपने आप में एक ऊर्जा भरेंगे और आप बहुत जल्दी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है तो मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छे लोगों के बीच रहिए। आप अपने विचारों को चेक करते रहिए कि आप हर बार जब भी आपका ध्यान अपने विचारों पे जाता है उस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप जितनी बार अपने विचारों को गलत से सही ले जाएंगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा असर करेगा। आप सुबह और शाम पॉजिटिव सोचते हैं और आपको कोई पता नहीं होता आप सारे दिन क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सारे दिन की सोच पे ध्यान रखना है। बीच बीच में अपनी सोच पे ध्यान दीजिए कि कहीं आप किसी के लिए हेट, अपने लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। उस पे जब आप ध्यान देंगे आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अपने लिए अच्छा सोचेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी और आप